Sir, this is His Highness, the Maharaja of Jhansi, Raja Gangadhar Nevalkar. And his beloved wife, Rani Lakshmibai Nevalkar. And this is Sir Simon Fraser, the political agent of Jhansi, and his wife, Madam Betty Fraser. आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी है साइमन फ्रेजर साहब। मेरा प्लेजर है योर हाइनेस। प्लीज सिट। This is to the prosperity of the British Empire. और इंडिया का रेल रोड नेटवर्क के लिए जो हम कल मॉर्निंग में ही इनॉग्रेट होने जा रहे हैं। Here's to a new life. साइमन फ्रेजर साहब, आपको कल के रेल रोड उद्घाटन समारोह के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू योर हाइनेस। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि कल एक momentous occasion in the history of British India, क्योंकि कल हम पहले ट्रेन चलाने वाले हैं और वो भी झांसी में। But एक और बहुत important बात है, वो ये कि हम कल इस ट्रेन से थ्रू एनिमल्स भी ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो हमने टैक्स की तरह पब्लिक से कलेक्ट किया है। नहीं, हम ये होने नहीं दे सकते। हमें किसी भी तरह उस नक्शे को हासिल करना ही होगा ताकि हम रेल कार्य को रोक पाए। I always wear designer dresses. Even I don't like anything ordinary. हे दिवा, हम कहाँ फंस गए? हमें शीघ्र नक्शे तक पहुँचना है। I feel सबसे ज्यादा खुशी तो हमारी क्वीन को हो रही होगी। इंडिया में जो रेल रोड सिस्टम की इनॉग्रेशन की खुशी। एंड आफ्टर ऑल, क्वीन अपनी कंट्री की इतनी केयर जो करती है। खुशी तो हमें अवश्य होगी, पर कल जब हम अपनी योजना में सफल होकर इस रॉस के हारे हुए चेहरे को देखेंगे। इस क्वीन के दिमाग में कुछ ना कुछ तो पक रहा है। रॉस इज नेवर रॉन्ग। हम मदिरा नहीं पीते। यू इंडियंस, आई एम बिट ऑर्थोडॉक्स। ये तो वाइन है और ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसे पीने में कोई बुराई नहीं है। बुराई इसमें नहीं, बुराई अपनी संस्कृति को ना मानने में है। और ये सब हमारी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। पर हमें आपके पीने से कोई आपत्ति नहीं। आप अपनी संस्कृति निभा रहे और हम अपनी। यस, यू आर राइट। Well, आप किंग के साथ डांस क्यों नहीं करते? In fact, in our culture, सारी पार्टीज की शुरुआत न्यूलीवेड कपल के डांस से होती है। So, ladies and
gentlemen, let's come on the floor for this new lovely couple. Maharaj, अगर रानी बाहर नहीं आ सकती तो प्लीज यू कैन जॉइन हर। मेहमानों के सामने आपका व्यवहार देखकर हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। हमारी कही हुई बातों का मान रखने के लिए आपका धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा महाराज, आज भी हमें इस आयोजन में कोई रुचि नहीं है। हमें तो बस रेल मार्ग के उस नक्शे को हासिल करना है। सर, could I borrow you for a second? सर, these are the engineers जिन्होंने रेलरोड सिस्टम को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा काम किया। योर एक्सलेंसी, प्लीज ज्वाइन अस। महाराज का ध्यान अब पर नहीं है, हमें अभी उस नक्शे को ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ जा रही हैं? जी महाराज। आप शरबत तो पी सकती हैं। हे दिवा, अभी नहीं गए तो कभी नहीं जा पाएंगे। नहीं, मुझे इस क्वीन के बारे में ज्यादा सोचकर अपना मूड नहीं खराब करना है। अब वो कुछ नहीं कर पाएगी। ये रानी लक्ष्मीबाई कहां चली गई? अभी अभी तो यही थी। रानी लक्ष्मीबाई तो यही थी, कहां चली गई?
ऐसे क्यों लग रहा है कि यहां कोई आया है? इस नक्शे को यहां रखना सेफ नहीं है। लक्ष्मी भाई आखिर कहां गई होंगी? मंजरी, तुम यहाँ झांसी में? हे देवा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम हमें अंग्रेजी कमिश्नरी में मिलोगी। और बाबा तो तुम्हें आजोबा के पास छोड़कर आए थे ना, फिर यहाँ कैसे आ गई? मैं शपथ लेती हूँ कि क्रांति के इस पद पर पूरी निष्ठा, ईमानदारी और त्याग की भावना के साथ चलूंगी और संपूर्ण आजादी की इस लड़ाई में मैं अपने क्रांतिकारी पहचान को गुप्त रखूंगी। मनु, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, बहुत लंबी कहानी। नहीं, हमें अभी जानना है। बताओ तुम हमसे क्या छुपा रही हो, क्यों आई हो अंग्रेजी कमिश्नरी में? मनु, तुम्हें मेरी कसम, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं पूछोगी, मैं तुम्हें सही समय आने पर सब बताऊंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? पर तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर वो रॉस तुम्हें देख लेता तो फिर से वो तुम्हें महाराज के सामने मुजरिम बनाकर खड़ा कर देता। हम रेल मार्ग का नक्शा लेने आए थे, तुम्हें तो पता है रेल मार्ग को ध्वस्त करने के लिए हमने सुरंग की योजना बनाई जो असफल हो गई। हमारी योजना पर पानी फिर गया और कल रेलमार्ग का उद्घाटन है। इसे ताते गुरु ने हमसे कहा था कि वो नक्शा लेते हुए आना, और देखो ना, और वो दुष्ट रॉस अपने साथ वो नक्शा भी लेकर गया। फिर से हमारी योजना पर पानी फिर गया। नहीं मनु, हमने आज रॉस को अपने लोगों से बात करते सुना कि वो रेल को दूसरे रास्ते से लेके जा रहे हैं, दूसरी पटरी से। इस ट्रेन को ये ट्रैक से लेकर जाऊंगा टू अनदर ट्रैक, और अगर कोई हमारे इस रेल रोड को उड़ाने की प्लानिंग कर रहा होगा तो उससे लगेगा कि हम ट्रेन को इस ब्रिज से लेकर जा रहे हैं जो सीधा जाता है, पर एक्चुअली वी विल यूज दिस लाइन, और वो ट्रैक है अराउंड द माउंटेन। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत बड़ी जानकारी है, पर अब हमें वापस जाना चाहिए वरना महाराज को हम पर शक हो जाएगा। तुम अपना ख्याल रखना। बेचारे महाराज कितने रेस्टलेस हैं अपनी वाइफ के लिए, उन्हें क्या पता कि कैसी आफत गले पड़ गई है उनके। चलो मैं इनके जख्मों पर थोड़ा नमक छिड़क देता हूं। योर एक्सलेंसी, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात कहूं। जी कहिए। आप इंडियंस अपनी वाइफ्स को स्लेव्स की तरह क्यों ट्रीट करता है? आई मीन सच ए यूजलेस कल्चर। इनकी ड्रेसिंग तो देखिए, ऐसे लगता है कोई बेडशीट लपेट लिया हो। ये देखिए, द ब्रिटिश वुमेन, दे आर सो मॉडर्न स्मार्ट। रॉस, दूसरों की संस्कृति पर उंगली उठाने से पहले अपनी संस्कृति को भली भांति जान तो लीजिए कैप्टन रॉस। आप लोग तो विवाह के बाद अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति और खुद का उनका मालिक समझने लगते हैं। विवाह के बाद पत्नी के तन मन और धन पर पूर्ण अधिकार पुरुष का हो जाता है, पर हमारे हिंदुस्तान में पत्नियों को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी का अर्थ तो समझते होंगे ना कैप्टन रॉस? पत्नी केवल पति के जीवन का हिस्सा ही नहीं होती, बल्कि पति का आधा अंग भी कहलाती है। इसलिए हमारी संस्कृति में पति और पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं।
हमारे हिंदुस्तान में हर औरत को देवी का रूप माना जाता है। माँ पार्वती, माँ सीता, माँ दुर्गा, इतना ही नहीं हमें ज्ञान देने वाली माँ सरस्वती, ये सारी देवियां हैं, देवता नहीं। इसलिए हमारी संस्कृति पर टिप्पणी करने से पहले अपने देश में औरतों को बराबर का स्थान देना आरंभ कर दीजिए कैप्टन रॉस। अब हमें चलना चाहिए कैप्टन रॉस। योर एक्सीलेंसी, विल सी यू टुमारो। कल बहुत बड़ा दिन है। और महारानी, आप भी आ रही है ना? आ तो जाएंगे, लेकिन आपकी ये रेल रोकने के लिए। आपने जो हमें दूसरी पटरी की जानकारी दी है वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो आपने क्या योजना बनाई है गौस जी? जहां तक हम देख पा रहे हैं, पुल तक जाने वाली पटरी अभी तक तैयार नहीं हुई है। ऐसे में हम रेल की पटरी को बदल देंगे, जिससे कि रेल इसी पटरी पर चलने लगे और थोड़ी दूर जाकर पूरी की पूरी रेल खाई में गिर जाएगी। बहुत अच्छी योजना है। हम कल इस ट्रेन से थ्रू एनिमल्स भी ट्रांसपोर्ट करेंगे। पर इससे तो रेल के साथ साथ उसके अंदर ला देंगे, हम पशु भी खाई में गिरकर मर जाएंगे। हमारे पास एक योजना है। हम ताती गुरु के साथ मिलकर डिब्बों को इंजन से अलग अलग कर देंगे। और गौस बाबा, आप रेल की दिशा को खाई की तरफ जा रहे पटरियों की ओर मोड़ दीजिएगा। इससे रेल के इंजन खाई में गिर जाएगी पर डिब्बे ऊपर ही रह जाएंगे। इतना आसान काम नहीं है जितना आपको दिख रहा है। रेल की तेज गति के चलते अगर सही वक्त पर हम डब्बों को अलग नहीं कर पाए तो इंजन के साथ साथ कई डब्बे खाई में गिर सकते हैं। और ऐसे में हम वादा नहीं कर सकते हैं कि पशुओं को ऐसे में क्षति ना पहुंचे। फिर तो ऐसा जोखिम उठाना भी सही नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए पर हमारे मासूम पशुओं को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जहां तक हम देख पा रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज हम नहीं कर सकते हैं जिसमें पशुओं को नुकसान ना हो। या तो हमें कोई और रास्ता इख्तियार करना होगा। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है गौस जी, परंतु ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे पशुओं को भी हानि ना पहुंचे और हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो? ये तो हमें भी नहीं समझ आ रहा। पर हमें मालूम है मासूम पशुओं की जान कैसे बचाई जा सकती है।